नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नितिन चौधरी। मेरे साथ कुछ ब्राह्मण समाज से हैं, मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर कुछ लोग हैं। भाई साहब, ये बताइए, जो ब्राह्मण ये सम्मेलन हो रहा है मुजफ्फरनगर में, क्या वजह हुई इसकी, क्यों कर रहे हैं? बस ब्राह्मणों की एकता के लिए कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? देखो, आपने सुनवाई ना होने के कारण हमारी इस सरकार ने हमारी सुनवाई करी है, इसलिए हमने ब्राह्मण सम्मेलन कराया। इसमें दूर दराज से लोग जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विनय शर्मा, मीरापुर से। मीरापुर से हैं? हाँ जी। तो कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे वो पांडे आएंगे, उनका कल एक्सीडेंट हो गया, वो किसी उसके दुर्घटना के कारण नहीं आ पा रहे हैं, और बहुत से नेता जुटेंगे यहाँ पे। इसमें किसी एक पार्टी को प्रदर्शित नहीं करा जा रहा, ब्राह्मण एकता को प्रदर्शित करा जा रहा है। ये हमारे पंडित जी हैं, ये मीरापुर से हैं ये भी। अच्छा, तो ये जो फरसा ले रहे हैं, मतलब ये हमारा धार्मिक चिन्ह है। अच्छा। हाँ जी, इसमें इसका कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं है, ये हमारा धार्मिक चिन्ह है। आप बताइए, ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, हाँ जी, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है इसलिए हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रदेश में तादाद हमारी, सबसे ज्यादा हम, और उसके बाद भी हम सबसे छोटे कर दिए गए हैं। जो चंद बिरादरियां हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, उनको हमारे सिर पे बैठाया जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई, बीजेपी को तो बोला जाता है बनी योगी और पंडितों की पार्टी है। बात बीजेपी की या समाजवादी या मायावती की नहीं है, हमारे हमारे बिरादरी की और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान जो हो रहा है उसको बचाने के लिए हम सब संगठित हुए हैं। कोई घटना बताएंगे? क्या घटना बताएं? बताएं, आप बताइए, बताएं घटना, पूछे, आप पूछे। जो अपमान हो रहा है, अपमान ही हो रहा है ना, ब्राह्मणों के बच्चों को कोई नौकरी दे रहा है ना, कोई आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए, ये अपमान है। और क्या अपमान है हमारा? क्या बात है पंडित जी, बहुत बढ़िया। परशुराम की तो जय होने वाली है, इन्होंने ब्राह्मणों को जगाया है, ब्राह्मणों को उठाया है, और जिसने ब्राह्मणों को छेड़ा है उसके कुल में बड़ा बखेड़ा है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे योगी जी क्यों ना हो। बहुत बढ़िया, तो सफाई कर रही है, आप सपा को भी घेर रहे हैं? मैं सपा को नहीं कह रहा हूँ ना, मैं समाजवादी को कह रहा हूँ, हम तो देश हित की लड़ाई कर रहे हैं। अभी 5 लाख ब्राह्मण कश्मीर में मार दिए गए, भगा दिए गए, कौन देख रहा उनको बताइए, कौन सी सरकार ने देखा उनको? और अभी भी फ्लाइन कंटिन्यू जारी है। बीजेपी तो कह रही है उनके लिए बस्ती पर लेके आ रहे, बीजेपी कह रही है बसा तो किसी को नहीं रही है, जा रहे हैं। बीजेपी ने ये भी कहा कि वहाँ की हमने 1 लाख ब्राह्मण बसा दिए, बताओ आप। बीजेपी में विश्वास नहीं आपका? नहीं, विश्वास है, लेकिन बस कह ही रहे हैं, बसा बसाने की भी कोई सूचना है क्या? बीजेपी से नाराज है पंडित? नहीं, नाराज नहीं है। अभी ब्राह्मणों का इतना कत्लेआम हुआ, कितने बदमाश है, क्या ब्राह्मण ही बदमाश मारे जाए? आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं? विकास दुबे नहीं है, एक दुबे नहीं है, विकास दुबे नहीं, अमन दुबे, एक दुबे जी नहीं है। ब्राह्मणों की इतनी जातियां हैं कि आप समझ में भी नहीं आएगा आपकी। भाई रोहित कौशिक, नाम रोहित कौशिक, सहारनपुर से। क्या बात है, सरकार ने विकास दुबे का नाम लेके, विकास दुबे अपराधी था, उसको सजा दे दी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सजा मिल गई कोई बात नहीं, लेकिन अमन दुबे, उसकी पत्नी खुशी दुबे, जब कसाब को ये बिरयानी खिला सकते हैं और उसे आराम से रख सकते हैं, तो खुशी दुबे को इतनी प्रताड़ना क्यों? उसे खून की उल्टी हुई, क्या उसका गुनाह था? 2 दिन की विवाहिता को 10 महीने जेल में क्यों रखा? सरकार ये बताए, सरकार से हमारी सीधी चेतावनी है कि तो 2 दिन की विवाहिता को जेल में 10 महीने जेल में क्यों रखा? पंडितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। बहुत बढ़िया, भाई रोहित, क्यों नहीं सुनवाई है? क्या ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया? वोट दिया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ब्राह्मण 12% थे, लेकिन अब 2021 चल रहा है, 14% ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर सरकार बनाना जानते हैं तो पिंडदान करना भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, पिंडदान करना जानते हैं ब्राह्मण,